मरतबा पार हुआ, गुवाहाटी में आया, लेकिन मां कामाख्या का मंदिर दर्शन नहीं किया। आपने लाभी में नहीं गया, आपने मां कामाख्या का भी मंदिर दर्शन नहीं किया। फिर आपने आगे बढ़ा, डॉक्टर भूपेन हजारिका का समाधि से आप गुजरे, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में भी 2 मिनट नहीं रुके। फिर आगे जाके आपने जो असम का कम्युनियल हार्मोनी का जो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, हयग्रीव माधव एंड पुआमक्का टेम्पल, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय का लोग जिसको बहुत मानते हैं, वो टेम्पल का सामने आप गुजरे, लोग वहां में खड़े थे आपको वेलकम करने के लिए, आपने वहां में भी नहीं गया। फिर आपने बरपेटा से गुजरे, पाट बाउखी सत्र में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव में जीवन का सबसे अमूल्य समय वही था। अगर बटद्रवा में आपका दर्शन नहीं मिला, आप पाट बाउसी सत्र में क्यों नहीं गया? फिर बरपेटा सत्र जो असम का सबसे बड़ा सत्र है, बरडुआ बटद्रवा बटद्रवा बरपेटा, आपने बरपेटा में भी नहीं गया। फिर आज सुबह आप धुबरी होके गुजरा, लेकिन आप धुबरी गुरुद्वारा में भी नहीं गया जहां में गुरु तेग बहादुर जी आए थे। तो आपका मतलब क्या था? आप असम आया, लासित बरफुकन का समाधि में नहीं गया, आपने असम आया, भूपेन हजारिका का समाधि से गुजरा, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में 2 मिनट नहीं रुका, आपने बरपेटा पाटबाउसी सत्र में नहीं गया, आपने धुबरी में इतना बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, आप वहां क्यों नहीं गया? कि वहां जाने के लिए मैं मना किया था? मैं तो उल्टा कांग्रेसी लोगों को बताया कि भाई बटद्रवा कोई कारण में अगर नहीं भी गया, कम से कम पाट बाउखी तक उनको लेके जाओ, अच्छा लगेगा। फिर हमारा लोगों ने बताया कि आइए आपको कामाख्या मां का आप दर्शन करके जाइए, उनका टीम भी गया, रेकी भी किया। आप खबर लीजिए, उनका टीम ने मां का मंदिर का रेकी भी किया जाने का, लेकिन मां का मंदिर में नहीं गया। तो ये यात्रा क्या यात्रा था? और यात्रा का समय देखिए, असम में एक बहुत बड़ा कम्युनियल क्लैश खड़ा करने के लिए उन्होंने सरयन रचा था। गुवाहाटी में तो उनका एक झलक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन उनका बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय में असम से गुजरे और असम में बहुत बड़ा क्लैश हो जाए। लेकिन हमारा पार्टी का लोग या जो भी राम भक्त लोग, सबने काफी अपने आप को रेस्ट्रेन किया और असम में गड़बड़ी होने नहीं दिया। तो इसीलिए मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूं। और राहुल जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने लासित बरफुकन का समाधि में नहीं जाके, आपने बरपेटा पाटबाउसी सत्र में नहीं जाके, आपने मां कामाख्या मंदिर में नहीं जाके, आपने धुबरी गुरुद्वारा में नहीं जाके, आपने जो आपका अपने अहंकार दिखाया या अहंकार को असम का जनता अच्छा से आपको लोकसभा चुनाव में आपको देख लेगा, ये मैं आपको आज ही कमिटमेंट देता हूं। आप मेरा कमिटमेंट ले लीजिए, असम में पहले से भी कम सीट मिलेगा कांग्रेस को और अच्छा अच्छा वोट का मार्जिन से हम लोग कांग्रेस पार्टी को हराऊंगा, ये भी वादा आप आज ही मेरे से ले लीजिए। अगर एक और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने, कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में, मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल, दैट इज द क्वेश्चन ए सैनल हैज पोज इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा? आप देखो, ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते। मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए,
नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बस में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है, तो बस का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के। तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधीज बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा, ये तो एक इश्यू हो गया। और फोन दिखा, कांग्रेस पॉलिटिक्स हैज बिकम ए टुवर्ड्स द सॉफ्ट नक्सलाइट, इनका जो स्लोगन्स है ये सब अभी गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम भी कांग्रेस में 22 साल रहा, ये जैसा स्लोगन वगैरह नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस का स्लोगन सॉफ्ट था, एक अलग ही था। तो मैं तो देखा हूं कि वो लोग तो कांग्रेस का सोल को भी मार दिया है। एंटायर कारकेड, एंटायर थिंग वाज फुल विद द सो कॉल्ड लेफ्ट पीपल, लेफ्ट लिनियंस पीपल।